हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीमोल एसआर टेबलेट के बारे में, जो कि किसी भी प्रकार से होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए बेस्ट दवा है। यह कौन कौन से दर्द को ठीक करती है, इसका डोज क्या होना चाहिए, इसका प्राइस क्या है, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इसको मैनुफैक्चर कर रही है लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। यदि कंटेंट्स की बात करें तो इसमें एसिक्लोफेनाक नाम का एक ही साल्ट डाला होता है, और अगर प्राइस की बात करें तो इसके 10 टेबलेट के स्ट्रेप की कीमत है 45 रुपीज, और ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। एसीमोल एसआर टेबलेट के बारे में जानने के बाद हम आगे बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि एसीमोल एसआर टेबलेट के प्रयोग की बात करें तो जैसे जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, कान का दर्द, नाक का दर्द, दांत का दर्द, कंधों का दर्द, हाथों और पांवों का दर्द, मोच का दर्द, पथरी का दर्द, चोट का दर्द, सर का दर्द, बदन दर्द, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार से होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाती है। अब बात करते हैं एसीमोल एसआर टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे इस टेबलेट को लेने के बाद उल्टी मितली हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी या स्किन रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इन सभी के अलावा आपको कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही टेबलेट का प्रयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। आगे बात करते हैं इस टेबलेट को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अगर कोई एसिक्लोफेनाक से एलर्जिक हो, हार्ट डिजीज पेशेंट हो, लिवर डिजीज पेशेंट हो, और यदि किसी ने अल्कोहल का सेवन किया हो तो वो इस टेबलेट का सेवन ना करे, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करे। यदि डोज की बात करें तो एक अडल्ट व्यक्ति सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकता है, या फिर अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार भी ले सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपके मन में इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।